जा रही है। तो हिना साहब को मुस्लिम समाज को मनाने के लिए ये हिना साहब को कहीं भेजना चाहते हैं, तो हिना साहब को कहीं भेज दें ना, हिना साहब के मन से आपके प्रति जो खोट है, जो आपने पैदा किया है, वो दूर होने वाला है ना, मुस्लिम समाज के अंदर दूर होने वाला है। देखिए, जब सत्ता जाते हुए दिख रहा है तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन रस्सी जब टूट जाता है तो आप उसको जोड़ दीजिए गांठ बना करके, वो गांठ रह जाता है, वो गांठ जाता नहीं है। हिना साहब को वो जहां भी भेजे, इतना दिन हिना साहब को दुत्कारते रहे, अपमानित करते रहे, और अभी तो मैंने बताया कि क्या योगदान है लालू परिवार का राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा योगदान है राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव का, मीसा भारती का, राबड़ी देवी का? आप कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, और जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, लालू जी कुंडली मार करके बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर, एक से एक आपके दल में नेता है, अच्छे नेता हैं, कई एक अच्छे नेता हैं, आप बनाइए ना उनको, आप बनाइए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। आप तो ये 8वां नवा फेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। यादव को बनाइए ना, पीएचडी किया हुआ यादव है, इंजीनियरिंग मेडिकल किया हुआ यादव है, बहुत पढ़ा लिखा यादव है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है। अब यादव को बनाना चाहते हैं तो बनाइए, एक पढ़े लिखे नौजवान को बनाइए ना। मुस्लिम को बनाना चाहते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे योग्य नेता, राजद में स्थापना काल के समय से राजद का झंडा ढोते रह गए, आप उनको क्यों नहीं बनाए उप मुख्यमंत्री? अब तो सुनने में आ रहा है कि हिना साहब को भी राज्यसभा भेजेंगे लालू प्रसाद यादव। देखिए, जब सत्ता जाते हुए दिख रहा है तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन रस्सी जब टूट जाता है तो आप उसको जोड़ दीजिए गांठ बना करके, वो गांठ रह जाता है, वो गांठ जाता नहीं है। हिना साहब को वो जहां भी भेजे, इतना दिन हिना साहब को दुत्कारते रहे, अपमानित करते रहे, और अभी तो मैंने बताया कि क्या योगदान है लालू परिवार का राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में। लालू जी का था, लालू जी का सब लोगों ने सर माथे पर रखा। तो हिना साहब के पति मोहम्मद साहबुद्दीन साहब पूरा जीवन खपा दिए राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में, और उनकी बेवा आज दर दर की ठोकर खा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है लालू परिवार के लोग, वो हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं, और अब जब सत्ता जाते दिखने लगा है, एक मुस्लिम समाज जो है वो कसम खा लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करेंगे, चाहे भाजपा कोई क्यों नहीं दे दे। और भाजपा के पक्ष में आज मुस्लिम जनमानस तैयार हुआ है, मोदी जी की योजनाओं की गारंटी जो मिल रही है, और जो गारंटी के साथ लोगों को उपलब्धि मिल रही है, तो अब इनको लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है। तो अब हिना साहब को मुस्लिम समाज को मनाने के लिए ये हिना साहब को कहीं भेजना चाहते हैं, तो हिना साहब को कहीं भेज दें ना, हिना साहब के मन से आपके प्रति जो खोट है, जो आपने पैदा किया है, वो दूर होने वाला है ना, मुस्लिम समाज के अंदर दूर होने वाला है। मुस्लिम के जो कुछ लीडर हैं उनका तो कहना है कि ये लॉलीपॉप है, और लॉलीपॉप में हम आने वाले नहीं है। वही बात तो मैं बोल रहा हूं, लालू यादव साहबुद्दीन का भरपूर इस्तेमाल किए, हीरा साहब का इस्तेमाल किए, और आज वो दर दर की ठोकर खा रही है। अब जब लग रहा है कि मुस्लिम समाज हमारा धड़क गया, वोट बैंक हमारा, तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो लॉलीपॉप में मुस्लिम समाज नहीं आने वाला है। मुस्लिम समाज भी जागरूक हो गया है, और मुस्लिम समाज आज देश के साथ है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे निकल पड़ा है, और ये किसी के रुकने से रुकेगा नहीं। मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि हम लोगों को बरगला करके, ये देश है, ये राष्ट्र है तो हम हैं, ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे, भारत ही नहीं रहेगा तो हम या आप हिंदू चाहे मुस्लिम ईसाई कहां रहेगा। इसलिए सब लोग इन लोगों के चक्रव्यूह को समझ गए हैं, अब इनके चक्रव्यूह में कोई फंसने वाला नहीं है, और इस आने वाले 24 और 25 के चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया अलायंस का पूरे देश के साथ साथ बिहार के कोने कोने से सफाया हो जाएगा। अभी हमारे साथ अनूप कुमार श्रीवास्तव जी थे, आप इनके बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।